हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉरमैक्सिन टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है और काफी अच्छे रिजल्ट देखा गया इस टैबलेट की, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये नॉरमैक्सिन टैबलेट जो कि सिस्टोपिक कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 50 रुपीज है, जो कि स्टीम में 20 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं क्लिडिनियम ब्रोमाइड, क्लोडिया जेपॉक्साइड, एंडाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। और इधर को देखते हैं क्लिडिनियम ब्रोमाइड 2.5 mg, क्लोडिया जेपॉक्साइड 5 mg, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg अवेलेबल है। दोस्तों नॉरमैक्सिन टैबलेट जो कि सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा डील दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो तो उसमें यूज कर सकते हैं, पेट में अल्सर हो, पेट में छाले हो। नंबर 2, पेट में ऐठन हो, मड़ोड़ हो तो इस समस्या में भी प्रयोग की जाती है। नंबर 3, आंतों में सूजन हो। नंबर 4, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है ये टैबलेट। नंबर 5, पेट में दर्द हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 6, घबराहट हो। नंबर 7, नींद ना आना तो उसमें भी दी जाती है डॉक्टर द्वारा। नंबर 8, कब्ज की समस्या हो तो दोस्तों इस टैबलेट को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे करें इस टैबलेट को। इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन में देखकर डोज फिक्स करते हैं। एडल्ट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में दी जाती है खाने के बाद, बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो बातें ध्यान रखें। नंबर 1, लीवर किडनी पेशेंट यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 3, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इस टैबलेट के बारे में। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हमें पता होना चाहिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाय द वे यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, जलन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस टैबलेट को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो नॉरमैक्सिन टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, नॉरमैक्सिन टैबलेट, नॉरमैक्सिन RT टैबलेट, नॉरमैक्सिन CC टैबलेट, नॉरमैक्सिन MB टैबलेट, तो इत्यादि परचेज कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन को देखकर अलग अलग टैबलेट प्रयोग करवाते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।